तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू TSA ARMY ऑफिशियल। तो गाइस, आज आपको हम बताने वाले हैं क्या खेल फ्री फायर में क्या क्या न्यू अपडेट्स में आ चुका है। गाइस, वैसे तो आया है तो सभी लोग जान सकते हो, लेकिन हर बंदों को ये इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि कई सारे बंदे अभी तक से मान लो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ बंदे रैंक चेंज हो गया तो रैंक पुश करने में ही रह जा रहे हैं। तो गाइस, कितने सारे बंदों को कुछ ऐसे नई चीज़ें आई हैं जिसके बारे में अभी तक से किसी को भी नहीं पता है। तो गाइस, कुछ हम शुरू करते हैं पहले गेम कुछ नए इवेंट्स के साथ। तो गाइज, आप देख रहे अभी आज आपके लिए एक नया इवेंट आ चुका है। गाइज, इस इवेंट का मतलब ये है कि देखो गाइज, अब लेवल अप कार्ड का कोई भी यूज है नहीं, ठीक है, आप लोग भी जानते हो। तो गाइज, लेवल अप कार्ड या फिर अवेकिंग स्किल वाला ये जो पहले मिलता था स्टोन, अब इसका कोई यूज नहीं रहा। तो आप इसे एक्सचेंज कर लो, क्योंकि अब यही वाला जो ये वाला टोकन है ना, यूनिवर्सल फ्रेगमेंट, अब यही सब कुछ करेगा। अब इसी की वजह से सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। इसी वजह से मान लो लेवल अप वेवल अप होगा तो आप सारा का सारा एक्सचेंज कर लो। जैसे कि देखो, मैं इसका एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो ये देखो ऐसे एक्सचेंज कर लेना है भाई लोग, आप सारा का सारा यही एक्सचेंज होगा। और ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ लगेगा। और ये टॉप इवेंट पे गाइस ये नया कैरेक्टर आया है। तो गाइस, अब मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूँ, आखिर में रियलिटी में जो पिछले किंग्स थे फ्री फायर के, वही सब वापस आ चुके हैं। तो गाइस, अब आपको नए नए कैरेक्टर्स लेने की जरूरत है नहीं। गाइस, आपको मैंने हुकुम के बारे में पहले बता रखा है, तो ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर हो चुका है गाइस। और गाइज, कुछ और नए नए कुछ और पुराने कैरेक्टर्स में कुछ अच्छे अच्छे नए स्किल्स जोड़ दिए गए हैं, जिनके बारे में जो मैं जानता हूँ वो आपको बता दूँ। मैगजीन में गाइज पहले क्या था कि शायद से ये लेवल 6 पे, अरे यार मत बुलाओ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, बस इतना जान लो गाइज कि पहले से माइनस कर दिया गया इसका टाइम ड्यूरेशन, जितने देर में वो करता था ना अपना मेडिकेट वेडिकेट, अब वो उससे भी ज़्यादा तेज करेगा। और इधर एक इधर गया, हाँ ये गाइज ओल्विया जो कैरेक्टर थी, ये पहले सिर्फ 10 HP 30 HP तक इसका मैक्सिमम शायद मेरे ख्याल से रहता था। जब आप किसी भी बंदे को रिवाइव करते हो तो 30 HP या 40 HP बस मैक्सिमम देगी, लेकिन अब देख सकते हो गाइज, अगर ये लेवल मैक्स हो गया इसका तो ये बिल्कुल भी आराम से आपको गाइज लेवल 6 पे 70 HP देगा। अगर आप किसी बंदे को अगर मान लो रिवाइव करते हो तो उसको डायरेक्ट 70 HP ही मिल जाएगा। तो ये गाइज एक बहुत ही अच्छी बात है। ये गाइज A124 को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बना दिया गया। अगर कोई भी अगर मान लो फीमेल कैरेक्टर यूज करता है तो A124 बेस्ट कैरेक्टर हो चुका है, क्योंकि गाइज ये तो गाइज A124 में क्या होगा कि अब 10 सेकेंड में ही ये चार्ज हो जाएगा, और जब ये लेवल 6 का हो जाएगा तो ये 60 HP मान लो एक बार आप इसका क्लिक करोगे जो आता है इसका एक्टिव बटन, तो आपको सीधा ये 60 HP देगी। और गाइज 10 सेकेंड में चार्ज होगा, इससे अच्छा और क्या चाहिए गाइज। ये हुआ हमारे कैरेक्टर्स की बात, तो चलते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में, उसमें भी बहुत ही काफ़ी चेंजिंग हो चुका है। तो गाइज, हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। वक्त को अब आपको हम बताते हैं क्या कि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या क्या चेंजिंग देखने को। तो गाइज, सबसे पहले हम फटाफट से इधर आ जाते हैं, तो ब्लू वाला है इसमें। अब ये आ जाता है हमारा सोशल जोन गाइज, जहाँ पे पहले गाड़ी वाड़ी सब मिलती थी ना, समझ लो वही वाला ये भी एरिया है। तो गाइज, इसमें क्या क्या होगा आपको बेसिकली मैं बता देता हूँ। देखो गाइज, यहाँ पे एक स्टोर टाइप का दे दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी कॉर्नर में 82 करके लिखा गया है, ये समझ लो कॉइन की तरह है गाइज।